जिले के पर्यटन स्थल केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। स्थानीय लोगों के अलावा देसी विदेशी लोग यहां बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इन्हीं पर्यटकों का कोई सामान चोरी व गुम हो जाए तो पर्यटन सहायता बल पूरी मदद कर रहा है। यह चोरी व गुम हुए सामान को कुछ ही समय में बरामद कर उन्हें वापस लौटा देते हैं। वही सामान को वापस पाकर पर्यटकों की खुशी देखते ही बन रही है। पर्यटन सहायता बल प्रभारी सेना मेडल कैप्टन DS फौजदार ने बताया कि हमारी तैनाती पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की मदद के लिए की गई है। यह बल पर्यटकों की करीब 16 साल से मदद कर रहा है और इसमें एक अधिकारी व 8 रिटायर्ड फौजी तैनात हैं, जिनकी तैनाती शहर के मुख्य स्थानों पर की गई है। हम यहाँ भरतपुर के अंदर टूरिज्म विभाग से एक ऑफिसर, 8 जवान तैनात रहते हैं। 2 बस स्टैंड पर, 2 रेलवे स्टेशन और 3 गने में जो भी टूरिस्ट देसी विदेशी आते हैं, उनकी हेल्प सहायता के लिए उनको कोई परेशानी ना हो या उनको कोई नाजायज परेशान नहीं करे, तंग ना करे, उनकी हेल्प के लिए हमारे को यहाँ पर्यटन विभाग ने रखा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर्यटक टूरिस्ट घूमने आते हैं, उनसे हमने 3 दिन, एक टूरिस्ट के 1.5 लाख का बैग रह गया था, उसको बुला करके वापस दिया। और 3 दिन, 2 दिन टूरिस्ट घूमने आए बाहर से, उनके मोबाइल गुम हो गए थे, उन्होंने हमें रिपोर्ट किया, मैंने अपने दस्ते को भेजा और मोबाइल ढूंढवाए और उनको फ़ोटो के साथ सुपुर्द किया। 1 दिन मैडम का पर्स गुम हो गया था, उन्होंने हमें रिपोर्ट किया, हमने उसको भी टैप के द्वारा ढूंढवा करके और उनको सुपुर्द किया फ़ोटो के साथ में, और हमने अपने विभाग में भी फ़ोटो डाले। आने वाले समय में हमारी जो टैप है बहुत ही अच्छा काम कर रही है और अच्छा ही काम करेंगे।